ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से इन मायावी यक्षों ने अपनी मायावी शक्तियों के द्वारा वहाँ पर इस युद्ध भूमि में पूर्ण रूप से अपना मायावी जाल बिछा दिया। महाराज ध्रुव को डराने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए। तो जैसे हमने देखा था कि बादलों से अनेकों प्रकार की गंदी वस्तुओं की खून और राद पस और मल मूत्र इन सब की बारिश हो रही थी और घनघोर आंधियां चल रही थी। और ये भी देखा था किस प्रकार से अनेकों प्रकार के जानवर जैसे शेर चीते बाघ वगैरह मानो ध्रुव महाराज को खाना चाहते हों। सर्प है, उसकी आँखों में क्रोध है और मुख से अग्नि की ज्वाला निकल रही है मानो सर्प जो है ध्रुव महाराज को निगल जाना चाहता है। और इसी प्रकार से उन्होंने देखा कि समुद्र में उफान आ रहा है जैसे मानो प्रलय के समय में पानी जब बहुत भर जाता है तो समुद्र जो है उसकी जो वेव्स होती हैं वो बहुत ऊंची उड़ती हैं और उसमें हलचल मच जाती है। तो इस प्रकार से जब चल रहा था तो भगवान तो अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। भगवान हमेशा ये देखते हैं कि जब भी उनका भक्त किसी भी कठिनाई में पड़ता है अवश्य रक्षिबे कृष्णा। भक्त को भगवान के ऊपर हमेशा ये विश्वास होता है। तो भगवान ने तुरंत क्या किया, कुछ उन महान संतों को वहाँ पर भेजा जो वहीं पर आसपास में थे, क्योंकि वो हिमालय था वहाँ पर। तो जो आसपास के जो महान साधुगण थे तो वो वहाँ पर एकत्र हुए और ध्रुव महाराज को उत्साह प्रदान करने लगे। तो ध्रुव महाराज को कहते हैं कि हे ध्रुव, भगवान कृष्ण जो हैं या भगवान विष्णु जो हैं वो इतने ताकतवर हैं कि उनके सामने किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ जो हैं रहती नहीं है, तुरंत उनका अंत हो जाता है। तो भगवान और भगवान का नाम उसमें कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से भगवान पूर्ण शक्तिमान है और उनके सामने कोई कठिनाई नहीं टिकती है, भगवान का नाम भी उसी प्रकार से शक्तिशाली है। भगवान के नाम का स्मरण करने से, भगवान के नाम का उच्चारण मात्र करने से व्यक्ति इतने बड़े भौतिक दुखों को पार कर सकता है कि ये जो तुम्हारी कठिनाई है, ये जो तुम्हारी परीक्षा है, ये तो बहुत छोटी है उसके सामने। भगवान के नाम का जप करके, स्मरण करके व्यक्ति भव सागर को पार कर सकता है और ये तो कठिनाई का छोटा सा सागर है, इसको पार करने में तुम्हें मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि जो यहाँ पर हम देख रहे हैं इन यक्षों ने जो मायावी जाल, जो अपनी जादूगरी का जाल जो बिछाया हुआ है,
उसको काटने के लिए भगवान की शक्ति के बिना संभव नहीं है। जिस प्रकार से माया का जाल इस भौतिक संसार में जो फैला हुआ है, वो बिना भगवान की कृपा के कोई भी उसको पार नहीं कर सकता है। भगवान भगवद गीता में इसके बारे में स्वयं बताते हैं कि भगवान की मायावी शक्ति जो है अत्यंत दुर्गम है, इसको पार करना अत्यंत कठिन है। भगवान क्या कहते हैं, मम माया दुरत्तया, मेरी ये जो माया है इस भौतिक संसार में, जैसे ध्रुव महाराज आप देखिए, वो मायावी जाल को देख करके जो है भ्रमित हो रहे हैं, इसी प्रकार से हम जीव भगवान की माया शक्ति में भ्रमित हैं। तो जिस प्रकार से अब ध्रुव को ये संतगण क्या कह रहे हैं कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, उनके नाम के द्वारा हम इस संसार की माया को पार कर सकते हैं, तो ये छोटी माया क्या है। तो मतलब क्या है, माया को अगर हम पार करना चाहते हैं, चाहे वो भगवान की माया हो चाहे इन राक्षसों की माया हो, दोनों को पार करने के लिए भगवान की शरण, भगवान के नाम की शरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान के नाम की शरण से तो हम संसार की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं, तो ये तो छोटी मोटी कठिनाई है जिसको ध्रुव महाराज बड़ी आसानी के साथ में पार कर पाएंगे। तो वो यही संतावना और उत्साह दे रहे हैं कि भगवान के ऊपर निर्भर हो करके तुम इन यक्षों के साथ में युद्ध करो। तो ये तो भगवान ने बताया है। अब आगे भगवान क्या कहते हैं, मम माया दुरत्तया, तो भगवान ने कह दिया भगवद गीता में, मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान ने उपाय भी दिया है। जो ये संतगण ध्रुव महाराज को उपाय दे रहे हैं, वही भगवान ने भगवद गीता में दिया है इस संसार की माया को पार करने के लिए। भगवान ने क्या उपाय बताया है, भगवान ने कहा है, ममेव प्रपद्यन्ते, जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाते हैं, प्रपद्यन्ते का मतलब होता है जो मेरी शरण, मेरा आश्रय जो ग्रहण करते हैं, माया मेताम तरंतीते, इस माया के सागर से वो पार हो सकते हैं। तो ये भगवान का जो है एश्योरेंस है, ये भगवान ने भगवद गीता में बताया है। तो देखिए, कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण है, हम देखेंगे अब जो ये संतगण जो बताएंगे कि अब महाराज ध्रुव को क्या करना चाहिए। वो महाराज ध्रुव को कहते हैं, एक अस्त्र प्रदान करते हुए कहते हैं कि ये जो अस्त्र है इसका निर्माण स्वयं भगवान नारायण ने किया है, इसे नारायण अस्त्र कहते हैं। तो नारायण अस्त्र का प्रयोग भगवान के, नारायण के नाम के उच्चारण के साथ में करो, और तुरंत तुम देखोगे कि इन यक्षों ने जो ये मायावी जाल बिछाया है, वो सारा भ्रम जो है दूर हो जाएगा, इनका माया का जाल छट जाएगा। तो ये क्या करते हैं ध्रुव महाराज, तुरंत आचमन करते हैं, और आचमन करने के बाद में जैसे ही वो अपना नारायण अस्त्र का तीर अपनी जो है धनुष के ऊपर धारण करते हैं, लगाते हैं, तो तुरंत बताया है कि जिस प्रकार से बादल छट जाते हैं, इसी प्रकार से ये सारा मायावी राक्षसों का ये जो इल्यूजन था, ये जो उन्होंने भ्रम पैदा किया हुआ था, ये तुरंत जो है सब दूर हो गया, छट गया। तो कलयुग के अंदर में अभी इन्होंने तो देखिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, और साथ में भगवान नारायण का नाम उसका उच्चारण किया, मंत्र का जप किया, भगवान का स्मरण किया। तो भगवान के नारायण अस्त्र में और कलयुग में भगवान ने एक और अस्त्र दिया है,
देखिए, पहले युगों में भगवान राक्षसों को मारने के लिए अस्त्र का प्रयोग करते थे, क्योंकि असुर लोग अलग होते थे, देवतागण अलग होते थे। अलग अलग समय की अलग अलग बात है। जैसे सतयुग में कहा जाता है कि जो ये असुरगण होते थे, इनके ग्रह अलग होते थे, इनकी जगह अलग ही होती थी, और देवतागण इनके प्लैनेट, इनके ग्रह अलग होते थे। वो स्वर्गलोक में थे, ये लोग जो है नीचे के लोक में, आताल पाताल सुतला, ये जो नीचे के लोक हैं इनमें ये असुरगण होते थे। लेकिन तो उस समय में क्या होता था, भगवान को जो है असुर लोक तक जाना पड़ता था इनको मारने के लिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, हम देखते हैं जब रावण का समय आया, देखिए तब क्या हुआ, एक ही लोक पर थे लेकिन अलग अलग द्वीप पर थे। रावण कहाँ था, लंका में था, और देवतागण कहाँ थे, अयोध्या में थे, भगवान के साथ में थे। भक्त लोग और देवतागण कहाँ पर थे, तो अलग अलग द्वीप में थे। अब भगवान को देखिए लंका तक जाना पड़ा, एक ही ग्रह पर लंका तक दूसरे द्वीप में जाना पड़ा उसको मारने के लिए। बाद में हम देखते हैं जब भगवान कृष्ण आए, तब एक ही जगह पर, एक ही द्वीप पर, एक ही परिवार में कुछ लोग असुर थे और कुछ लोग देवता थे। पांडव थे, वो देवता थे, भगवान के भक्त थे, और जो कौरव लोग थे वो असुर थे। तो महाभारत का युद्ध हुआ और भगवान ने जो है असुरों का वध किया वहां पर। अब कलयुग में भगवान कृष्ण के जाने के पश्चात, पहले अलग अलग ग्रहों पर थे, बाद में अलग अलग द्वीप में थे, बाद में एक ही परिवार में थे कौरव और पांडव। आज बताया जाता है कलयुग में एक ही मनुष्य के अंदर में दानव भी है और देवता भी है। हमारे ही मन के अंदर में देविक भावनाएं भी हैं और आसुरिक भावनाएं भी हैं। तो अगर सोचिए, अगर भगवान को कलयुग में अस्त्रों के द्वारा वध करना पड़े तो कितने लोग जीवित रहेंगे? प्रैक्टिकली कोई जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान को सबको मारना पड़ेगा, सबके अंदर में असुर है कलयुग में। तो इसलिए भगवान कलयुग में क्या करते हैं, असुर को मारने के लिए नॉर्मल अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं, एक स्पेशल अस्त्र है जिसे कहते हैं संगोपंगास्त्र। अपने भक्तों के संग में भगवान कलयुग में आते हैं, और नाम संकीर्तन, भगवान का ये जो हरि नाम का संकीर्तन है, इस संकीर्तन के द्वारा हमारी आसुरिक प्रवृत्तियों का वध हो जाता है। हमारे अंदर जो असुर हैं, आसुरिक गुण हैं, उनका विनाश हो जाता है, उनका वध हो जाता है। ये कलयुग के अंदर में भगवान की कृपा है। तो जैसे ही ध्रुव महाराज ने अपना तीर जो है, बाण, अपनी कमान के ऊपर, अपने धनुष के ऊपर चढ़ाया, तुरंत जो है इनका सबका मायावी जो जाल उन्होंने बिछाया हुआ था, भ्रम का जाल बिछाया हुआ था, सब दूर हो गया। और उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार से जब सूर्य उदित होता है तो सारा अंधकार दूर हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से नारायण अस्त्र जो है सूर्य की भांति था, जैसे ही उन्होंने अपने कमान के ऊपर लगाया, तुरंत सारा भ्रम जो है, ये मायावी जाल जो है बिखर गया। तो इसी प्रकार से हमें भी समझना चाहिए, कृष्ण है सूर्य समा, माया है अंधकार। जहां है कृष्णा तहां नहीं माया अधिकार। तो देखिए, जहां पर सूर्य होता है वहां पर अंधकार तो नहीं होता है। तो कृष्ण है सूर्य समान, कृष्ण सूर्य की भांति है, और माया क्या है, अंधकार की भांति है।
माया है अंधकार, जहां है कृष्णा, जहां पर कृष्ण है क्योंकि वो सूर्य है, तहार नहीं माया अधिकार, तो वहां पर माया तो रह ही नहीं सकती है। तो मतलब क्या है, माया के प्रभाव से अगर हम बचना चाहते हैं, माया के अंधकार से, माया के भ्रम के जाल से अगर हम बचना चाहते हैं, तो हमें कृष्ण का संग लेना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण को अगर हम अपने संग में लेंगे, तो कृष्ण सूर्य की भांति है और अंधकार जो माया है वो दूर हो जाएगी। तो कलयुग में सबसे बढ़िया तरीका भगवान को अपने संग में रखने का क्या है, सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मेरा भक्त 24 घंटे केवल मेरे कीर्तन में लगा रहता है। अब कीर्तन अलग अलग प्रकार से होता है, भगवान की कीर्ति के गान को कीर्तन कहते हैं। तो कई बार हम लोग जप के द्वारा भगवान का कीर्तन करते हैं, कई बार जिसे हम भजन कहते हैं बैठ करके, करताल ले करके, मृदंग ले करके, बाकी सब भक्तों के साथ में बैठ करके जो कीर्तन करते हैं उसे संकीर्तन कहते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों के साथ में सम्यक कीर्तन, उसे संकीर्तन कहते हैं। तो किसी ना किसी प्रकार से ये भगवान की जो कथाएं हम लोग बोलते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, ये भी कीर्तन है। तो अलग अलग प्रकार से हम जो है भगवान के कीर्तन में लग सकते हैं, और उसके द्वारा क्या होता है, हमेशा भगवान का संग रहेगा। और जैसे हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज इन सारे यक्षों के मायावी जाल को नष्ट कर पाए, इसी प्रकार से कलयुग के दोषों को, कलयुग के अनेकों प्रकार के मायावी अंधकार को हम भी जो है नष्ट कर सकते हैं, अगर हम हमेशा भगवान के नाम का जप, भगवान की कथा लोगों को सुनाएं और हम भी सुने और भगवान का कीर्तन उसमें लगे रहें। तो अब आगे जो है ध्रुव महाराज वहाँ पर क्या करेंगे इस युद्ध में, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।